दोस्तों, जिंदगी में मूव ऑन करना बहुत जरूरी हो जाता है कभी ना कभी। मूव ऑन यानी आगे बढ़ जाना, वो कोई भी सिचुएशन हो। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। आप आज ये जो थंबनेल देखे हो, इस थंबनेल को देख के ही समझ गए होंगे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आपको कुछ समझाने वाला हूँ और मैं भी कुछ समझना चाहता हूँ। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई भी डिप्रेशन में आ जाता है, कोई भी एंजाइटी में आ जाता है, कोई भी इंसोमनिया है, कोई भी व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस इज, मूव ऑन करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, इसके चलते ये आज वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन, एक मोटिवेशन स्पीकर लाइफ कोच हूं। चलिए इस वीडियो आगे बढ़ते और हम लोग आज जाने के मूव ऑन कैसे किया जाता है सही तरीके से, ना कि अनाप शनाप तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था कोलकाता से देवराती दत्ता ने। देवराती जी का ये कहना है कि हम कोई भी अगर काम करते हैं, अगर वो कोई रिलेशनशिप में है, वो बहुत ज्यादातर कोई भी पर्सन से बहुत उनका अटैचमेंट बढ़ जाता है, तो उनके लिए एक ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट कर रहा है हर एक दिन। तो ये जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट से हम लोग बाहर निकले कैसे, मतलब हाउ टू मूव ऑन, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आपको हर एक सर्कमस्टेंसेस से मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। पर जो देवर्ती जी ने कहा कि कोई भी पर्सन से है, कोई भी एडिक्शन से है, अगर उसको कोई सदमा लगे, हम लोग उससे निकल नहीं पाते है ना, कोई सदमे से हम लोग वो निकल नहीं पाते है। अगर किसी का साथ कुछ ब्रेकअप हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा शॉकिंग थिंग हम लोग के लिए हो जाता है, हम उससे निकल नहीं पाते हैं। पर दोस्तों, मैं इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं कि ये ब्रेकअप, ये डिप्रेशन, कोई भी पर्सन से अटैचमेंट, मैं इतना बड़ा बोल रहा हूं हर एक चीज पर, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये क्या सच में बहुत बड़ा एक चीज है। कोई भी पर्सन से आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या डिप्रेशन में वो आ जाता है, ये क्या है। हम लोगों के पास अगर ये सब वर्ड्स नहीं रहता कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेकअप, इंसोमेनिया, अगर ये सब वर्ड्स नहीं रहता, ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स में जो गहराई है, डिप्रेशन इसमें लोग बहुत कुछ करते हैं, पागल सा हो जाते हैं, चुप बैठते हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता है, ये क्या है, कहीं से सुना हुआ ये चीज है, आप लोगों के दिमाग में फीड हुआ है कहीं से भी। ध्यान से समझे इस चीज को, लोग पागल हो जाता है। ये पागल, ये जो वर्ड है कहां से आया, इस पागल के वर्ड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। कि कोई महान इंसान ने कहा था कि कोई पागल हो जाए तो ऐसा ऐसा सिम्टम्स आता है जिंदगी में। अगर ये ब्रेकअप होता है तो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाता है, उसका पढ़ाई खराब हो जाता है, वो हिल जाता है पूरा लाइफ से, उसके बाद वो अनाप शनाप करने लगता है। ये सब ना, अब तो ये सब ही रटे हुए हो, कहीं से भी जो इंफॉर्मेशन जो फीडेड हुआ है आप लोगों के दिमाग पे, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट कर रहे हो, सिंपल सा बात है। पर हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं उसके ऊपर कि अल्टीमेटली ये जो चीजें है हम लोगों का ही तो किया जा रहा है, सही है। अगर हम लोग ये जो वर्ड्स है इसका महत्व तो ही नहीं जानते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। सुनते डिप्रेशन है, ओ अच्छे क्या है डिप्रेशन पता नहीं, चलो मैं आपको अगर एक वर्ड्स वो बताऊं, डेजा वू, इसका वर्ड्स कोई किसी को किसके दिमाग में समझ में आया है, वो रिलेट कर पा रहा है, और बहुत सारे लोगों को दिमाग में नहीं आया है ये डेजा वू क्या होता है। ये मैं खुद नहीं बताऊंगा व्हाट इज डेजा वू, आप खुद एक नेट में सर्च करो, 2 मिनट का काम है, उसके बाद आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे ये डेजा वू क्या है। ये छोटा सा होमवर्क आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिए, देखिए क्या होता है। तो ये जो वर्ड है मैं क्यों बताया, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचने के भी नहीं, कितना लोग जानता है उसके ऊपर, जो इसके बारे में नहीं जानता है वो सोचेगा कुछ भी होगा क्या है, हम लोग थोड़ा सर्च कर लेते हैं, उसके बाद वो सर्च वर्च जब करेगा उसके बाद उसको दिमाग में आएगा, अरे ये तो ये है, अच्छा अच्छा इसके बाद मतलब ये होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन और एक उसके दिमाग में ऐड हो गया, क्या हो रहा है ये सर।
सिर्फ वर्ड आपके दिमाग पे ऐड हो रहा है, कुछ शब्द आपके दिमाग में ऐड हो रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो कुछ बिना सवाल किए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मूव ऑन करना बहुत 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 इजी है। कैसे इजी है? जब आप पास्ट को वो छोड़ दोगे, पास्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो आप छोड़ दोगे, आप कहोगे कि मुझे तो पास्ट से बहुत कुछ लेसन मिलता है, मैं पास्ट को अगर भूल जाऊं तो मैं चलूं कैसे। तो दोस्तों जो आपका लेसन जिंदगी में आता है उसको लो, बाकी जो आपको बहुत चुभता है दिल में, हार्ट होते हो जो कुछ याद करके, किसी के बारे में हो, किसी सिचुएशन से हो, कुछ भी, अगर वो जिंदगी में आपका हार्ट होता है कहीं पर भी, उसको आप तय करो कि मुझे ये छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? आपको खुद किसी काम में बिजी कर लो, कोई भी काम हो। ज्यादा 99% इंसान ज्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या गॉसिप करके ही अपना जो दिन है वो बिता देता है। उसके जाकर ये सब करो, कुछ काम करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। जो जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना देखोगे तुम जो पास्ट है वो आप भूलते रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकता हूँ, मोहम्मद सिराज एक बॉलर है इंडिया का, जब उनका पिताजी का देहांत हुआ वो मैच एक भी नहीं छोड़ा था, वो देहांत होने के बाद भी वो खेलने आया। क्या था ये था वो गेम के प्रति वो पैशनेट है बहुत ज्यादा। वो जानता है ये भी मेरी जिंदगी में एक पड़ाव था, ये एक स्टोरी था, बट ये मेरा प्रेजेंट है, इसको मैं अगर सुधारूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। बस ये सिर्फ सिराज के बारे में बोला, और भी बहुत सारा प्लेयर है। विराट कोहली के बारे में थोड़ा सर्च कर लो, गूगल में सब कुछ हाजिर है। सचिन तेंदुलकर के बारे में सर्च कर लो, ठीक है। क्यों इन लोगों में बता रहा हूं? क्योंकि इन लोगों को तो आप फेमिलियर हो बहुत ज्यादा। अगर मैं आपके बारे में बताऊं या और किसी के बारे में बताऊं, आप उतना उसको पहचानते नहीं होंगे, शायद रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ये सब जाना पहचाना जो इमेजेस है मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया, और कुछ नहीं, समझ गए। तो जिंदगी में पैशनेट होना बहुत तो जरूरी है, इसके लिए आपको मूव ऑन करना उसके लिए और भी जरूरत है। अगर कोई दिमाग में आपका कचरा चल रहा है, उस कचरे को हटाने का जिम्मेदारी आपका है। कैसे हटाओगे? उसके जगह आपको ऐसे कुछ चीज रिप्लेस कर दो जो आपका पैशन से जुड़ा हुआ है, बस काम हो जाएगा। आप उस पैशन के लिए तब दौड़ोगे, तो पास में जो कुछ हुआ है वो आप भूल जाओगे। इतना इजी है मूव ऑन करना। मैं आपको कुछ ताबीज वाबीज नहीं बताने वाला हूं, ये सब बकवास है। जो है वो है, सुधारने का जो जिम्मा है वो आपको लेना है, और ये जिम्मा बहुत इजी है अगर आप ठीक से इसको कर पाते हो। ज्यादा लोग ऐसे मुंह लटका के ही बैठा हुआ है। क्यों? वो लोग क्या करेगा जानता ही नहीं, वो एमलेस पर्सन है जिंदगी में। तो चलो कुछ तो करना है, पास्ट को ही मैं थोड़ा याद करके रो लेता हूं, हंस लेता हूं, किसी को बोलता हूं कि मेरे पास वो था, आप नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूं। आहा, तुम ऐसे हो, पर वो इंसान कैसा है, वो सिचुएशन कैसा है, सब बदल जाता है, पल पल में बदल जाता है, और आप वैसे की वैसे ही रह जाते हो। तो मूव ऑन करना ऐसे ही इजी है दोस्तों। अब जो आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो उसके बीच आपका पैशन लेकर खड़ा कर दो, बस इतना सही, और आप एक बहुत हंसता खेलता इंसान बनोगे। मेरा ये दावा है आपसे, करके तो देखो एक बार, उसके बाद हमको बताओगे कमेंट करके। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया कि देजावू, व्हाट इज देजावू, जरूर कमेंट करके बताना। चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय।